क्लास फाइव का ये क्वेश्चन है मैथ का और एक्सरसाइज 51 है हम लोगों के पास और इसको हम लोगों को करना है सॉल्व। तो फर्स्ट में दिया हुआ है नंबर वन मल्टीप्लाई दिया हुआ है और इसमें पॉइंट वाला मल्टीप्लाई है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। सिंपली यहाँ पे जिस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए का वन पार्ट है, ए पार्ट है हम लोग के पास। तो सिंपली हम लोग पॉइंट रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 9 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 9 5 = 45 तो यहाँ पे 5 हो गया और 4 बच गया हाथ में। उसके बाद 9 5 = 45 फिर से हो गया, 45 और 9 49 हो गया, तो यहाँ पे 9 दे देते हैं और ये यहाँ पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हाथ में फिर से 4 बचा हुआ है, 9 1 = 9 और 4 9 4 13 हो गया, तो यहाँ पे 13 इतना रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, 139.50 रुपीज़। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, पार्ट बी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट बी, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 = 16 वन बच गया। अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो यहाँ थोड़ा जो 1 है वही यहाँ पे आ जाएगा, और 2 3 = 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 लेते हैं। अभी इस पर पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2 डिजिट का मल्टीप्लाई है, जब इसको लास्ट में आंसर जोड़ेंगे उस समय हम लोग पॉइंट लगाएंगे। तो 3 2 = 6 हो गया और 2 2 = 4 हो गया। अब यहाँ पे एक क्रॉस लगा लेते हैं, 8 1 = 8 हो गया और 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब 1 से जाएगा तो सेम टू सेम वही रहेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे ऐड, तो 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ 6 और यहाँ 7 हो गया और ये 2, तो 1 2 पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट है, तो 2 के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो इतना रुपीज़ हो जाएगा, रुपीज़ 276.96 इतना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है हमारे पास और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6 3 = 18 हो गया, 18 1 6 5 = 30 और 1 31 हो गया, 31 का 1 देते हैं, 3 हमारे पास बच गया है और 5 6 = 30 हो गया, 30 और 3 33 हो गया, तो यहाँ पे 3 अभी भी 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 0 0 हो जाएगा, तो 3 जो हमारे पास बचा हुआ है हाथ में वही 3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 6 1 = 6 ये हो गया। तो ये 1 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम लोग 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुपीज़ 633.18। तो ये आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 51 का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें क्या कह रहा है, एट ए फ्रूट शॉप 1 kg ऑफ बनाना कॉस्ट इतना। एक दुकान में 1 किलो बनाना का कीमत, वैसे बनाना जो है केजी में नहीं मिलता है, बनाना दर्जन में मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को छानबीन करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे बनाना है कितना, 16 रुपये 80 पैसे में मिलता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 kg बनाना, तो 3 kg बनाना का कितना होगा, मतलब हम लोगों को इसको और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सारा क्वेश्चन लगभग मल्टीप्लाई ही दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg बनाना, 1 किलो बनाना की कीमत क्या हो जाएगा, इतना हो गया। तो फिर कॉस्ट ऑफ 3 kg बनाना, तो 3 kg बनाना का कीमत कितना हो जाएगा, तो इतना से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 3 = 16 24 24 हो गया, तो 4 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, बगल में 2 बचा हुआ है और 6 3 = 18 19 20 तो 20 का 0 हो गया और 2 बच गया फिर से, तो 3 1 = 3 और 2 5 हो गया, तो यहाँ पे 1 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, इतना रुपीज़, मतलब 3 kg बनाना का प्राइस हो गया रुपीज़ 50.40। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें क्या कह रहा है, एट ए फेयर राधिका अबाउट 8 सारीज इज कॉस्टिंग इतना, हाउ मच मनी डिड सी पे। राधिका एक मेले में 8 साड़ी खरीदती है और 1 साड़ी का कीमत इतना है 249.75, तो फिर 8 साड़ियों खरीदती है तो उसको कितना कीमत लगेगा अगर 1 साड़ी की कीमत इतना है, तो सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना नहीं है इसमें। कॉस्ट ऑफ 1 साड़ी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 249.75। कॉस्ट ऑफ 8 साड़ीज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
तो इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को आंसर आ जाएगा। तो रुपीज़ 249.75 इंटू 8, इसको 8 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ 85 जो 40 हो गया, 0 लिखते हैं, 4 बचा हुआ है, और 87 जा 56 और 4 या मतलब 60 हो गया। तो फिर यहाँ 0 आ गया, अब 6 बचा हुआ है, और 89 जा 72, तो 72 और 6 हो गया, 78 हो गया, यहाँ पे 8 दे देते हैं और हम लोग के पास 7 बचा हुआ है। 84 जा 32 और 7 39 हो गया, तो यहाँ पे 9 लिखते हैं, अब 3 बचा हुआ है। अब 82 जा 16 हो गया, 16 और 3 तो 19 हो गया, यहाँ पे 19 देते हैं। तो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इसके मतलब इधर से हम लोग गिनेंगे 1 2, और यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, मतलब कितना हो गया, 8 साड़ी का कॉस्ट हो गया रुपीज़ 1998। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।